नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी लाइव बैंक एग्जाम में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। और डेली मेरी क्लासेस जो है 11:30 बजे यहाँ पर होती है, प्लस की क्लासेस जो होती है मेरी वो शाम को 6:30 से 8 और 8:30 से 10 बजे तक होती है। अगर आप लोग अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके टेन परसेंट का डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर ऑलरेडी मेरे मेंस के 2 कोर्सेज चालू हो चुके हैं, एक क्वांट का हाई लेवल डीआई और रीजनिंग का मेंस का जो बैच है वो, ठीक है। 21 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है, जिसमें अभी तक 6 क्लासेस हो चुकी है, इसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिलॉजिज्म। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनको सिलॉजिज्म में बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों बहुत मतलब सिंपल होता है सिलॉजिज्म, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कभी भी सिलॉजिज्म में बहुत ज़्यादा सोचा मत करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचोगे तो कन्फ्यूजन आपका बढ़ते जाएगा और जो आपके कंसेप्ट बने बनाए हैं वो भी बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए सिलॉजिज्म के लिमिटेड क्वेश्चन ही सॉल्व करो। दिन भर में आप मान के चलो कि 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करो, बस उससे ज़्यादा मत करो। डेली बेसिस पर 7-8-10 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, आपके सारे कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी मैं कम से कम 5 क्लासेस लूँगा, आज पहली क्लास है। लगभग बेसिक जितने कंसेप्ट होते हैं वो आप लोगों को आज सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिलॉजिज्म के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं और आप लोग आंसर देते जाइएगा कि आंसर क्या हो रहा है। चलिए तो ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्वेश्चन के पहले मैं कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे उनको बेसिक बता देता हूं। देखिए अगर मैं आपको बोल रहा हूं सम ए आर बी, ठीक है, ए आर बी, तो इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं? इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये ए हो गया और थोड़े से ए जो हैं ये बी हो गए, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं नो ए आर बी, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ए ये नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। अगर मैं बोलता हूं ऑल ए आर बी, तो इसमें हम ऐसा ड्रॉ करेंगे ये पूरे के पूरे ए जो हैं ये बी हो गए। तो ये आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक कुछ भी नहीं पता सिलॉजिज्म का, आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद और मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ कि किस प्रकार से नोट करते हैं, क्योंकि जब नोट करना आपको आ जाएगा, मतलब वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं ये समझ जाओगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो और बता देता हूं मैं अब आप लोगों को। देखिए जैसे अगर बाय सपोज, लेट सपोज कि अगर आपको बोल रहा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, अगर आपको ऐसा बोलता है तो इसका डायग्राम कैसा बनाना है? ओनली अ फ्यू ए मतलब कि थोड़े से ए जो हैं वही बी होंगे, मतलब जो हम सम का डायग्राम बनाते हैं ना उसमें ये बस यहां पर ऐसे थोड़ा सा डार्क कर दो। इसका मतलब क्या है कि थोड़े से ए ही बी हो सकते हैं, पूरे नहीं हो सकते। अगर आपको बोलेगा ऑल ए कैन बी बी इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है तो ट्रू हो सकता है, ऑल ए आर बी अगर आपको ये बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी भी दोस्तों ये कई जगह गलत होती है ना, वो डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो हम बाद में देखेंगे, इसलिए उसको ज्यादा अभी मत सोचिए वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ज्यादा मत सोचो उसको अभी, मैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट जो बना बनाया है वो बिगड़े नहीं। जितना आता है अभी उतने को दिमाग में रखिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। ओनली टू काफ़ी सारे लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए तो इसको बनाते हैं दोस्तों डायग्राम। ओनली टू काफ़ी यहाँ पर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ओनली टू फॉलो, ये वाला सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, पहला फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखते हैं इसको पहले, तो वेन डायग्राम इसका बनेगा कैसे। सम फायर्स आर कार्स, ये फायर्स है, ठीक है, ये थोड़े से फायर्स जो हैं ये कार्स हो गए। सम बसेस आर फायर्स, थोड़े से बसेस जो हैं ये बसेस हम यहाँ पर बना देते हैं और ये जो थोड़े से बसेस हैं ये फायर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। ऑल बसेस आर कार्स, पूरी की पूरी जो बसेस है ये कार्स के अंदर होनी चाहिए, मतलब ये जो डायग्राम हमने यहां पर ऐसा बनाया है ये कायदे से ऐसा नहीं बनना चाहिए। ये कैसा बनना चाहिए था? ये ऐसा बनना चाहिए था,
Some fires are cars. All buses are cars and some buses are fires. तो ये ऐसा डायग्राम बनना चाहिए था आपका. ये वाला वेन डायग्राम बिल्कुल सही है, ये वाला गलत है. ऐसा नहीं बनाना है. ठीक है, सभी का बन रहा है ऐसा वेन डायग्राम. सम फायर्स आर कार्स, थोड़े से फायर्स कार्स हैं हमको दिख रहे हैं. सम बसेस आर फायर्स, थोड़ी सी बसेस जो हैं वो फायर्स हैं. ऑल बसेस आर कार्स, पूरी की पूरी जो बसेस आपको दिख रही है वो कार्स के अंदर है, यानी कि ऑल बसेस आर कार्स. अब अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है आपको कि सम कार्स आर डेफिनेटली नॉट फायर्स. सम कार्स आर डेफिनेटली नॉट फायर्स, बट ऐसा तो आपको यहां पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा ना भाई. डेफिनेटली नॉट का मतलब क्या होता है कि कभी नहीं हो सकता. इसका मतलब जैसे अगर मान लो कि ऐसा होता, ऐसा डायग्राम होता तो आप बोल सकते हो सम कार्स आर डेफिनेटली नॉट फायर्स. या फिर एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखते जाइएगा. ऐसा डायग्राम अगर होता तो आप बोल सकते थे सम कार्स आर डेफिनेटली नॉट फायर्स. तो इस वाले वेन डायग्राम में ये चीज जो है ये ट्रू हो जाती. क्यों भाई? क्योंकि कार्स का ये जो पोर्शन है, कार्स का इतना पोर्शन जो है ये डेफिनेटली कभी भी फायर्स के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्रॉस का साइन बना हुआ है. इस क्रॉस के साइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों, इसको जरूर बनाया करिए. इसका मतलब क्या है कि ये इतना सर्कल, आप चाहे इसको पूरा वर्ल्ड घुमा लो लेकिन ये इतने बॉर्डर को टच नहीं करना चाहिए. इसको छोड़कर बाकी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घुमा लो इसको. ठीक है, तो ये बस इतने पोर्शन पर टच नहीं करेगा. तो अगर ये पूरा जो ये बी वाला आपको सर्कल दिख रहा है, अगर ये इसको टच नहीं कर सकता तो जो कार्स इसके अंदर है यहाँ पर ये वाले, तो ये भी तो नहीं आएंगे ना. तो डेफिनेटली थोड़ी सी कार्स जो है वो फायर्स नहीं होगा. ऐसे केस में वो ट्रू हो जाता, बट इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है, देखो सम कार्स आर डेफिनेटली नॉट फायर्स. आपको तो दिख ही रहा है ना कि भाई थोड़े से कार्स फायर्स के अंदर हैं, और ऐसा कोई भी कार्स का पोर्शन नहीं है जो फायर्स के अंदर नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत हो गया. ठीक है, चलिए और देखते हैं भाई. अब सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाले में क्या बोल रहा है. ऑल फायर्स बींग बसेस इज अ पॉसिबिलिटी. क्या पूरे फायर्स बसेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. देखिए पॉजिटिव डायग्राम में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होती है, इस बात को याद रखिएगा. पॉजिटिव डायग्राम का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं दिख रहा, मतलब क्रॉस का साइन नहीं दिख रहा. ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी क्रॉस का साइन नहीं दिख रहा है और ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी नो, नेवर, कैन बी, कैन नॉट बी, इस टाइप के कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट आपको या नेगेटिव वर्ड्स आपको नहीं दिख रहे. सिंपल सा स्टेटमेंट था पॉजिटिव वाला, ऑल फायर बींग बसेज इज अ पॉसिबिलिटी. तो ये हमेशा ट्रू होगा ऐसे पॉजिटिव डायग्राम में. ठीक है, अभी जो मैंने बनाया था डायग्राम वो नेगेटिव बोल सकते हो उसमें, क्योंकि उसमें क्रॉस रहता है तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा, बट ऐसे केस में आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आगे चलते हैं, धीरे धीरे बनाते जाइए दोस्तों. कम से कम 5 क्लास लूंगा, हर क्लास में कम से कम हम 9 से 10 क्वेश्चन करेंगे. करीब 40-50 क्वेश्चन करने से आप लोगों का पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. कंसेप्ट तो वैसे आज ही क्लियर हो जाएगा, बट कई कई जगह पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो भी आप लोगों को आ रही होंगी वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी. ओनली फ्यू वाला भी करवाऊंगा, ये है ओनली फ्यू वाला, करिए इसको. ओनली वाले भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग. कितना आंसर होगा इसका जल्दी बताइए. चलिए ओनली टू आंसर आ रहा है काफी लोगों का, जिनका भी ओनली टू आंसर आ रहा है सही है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ओनली टू. सिंपल ही है दोस्तों, देखिए पहली क्लास है तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा टिपिकल वाले क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ बोले तो क्लैरिकल लेवल के क्वेश्चन लिए हैं. तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम और आगे सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इसकी होगी तो मैं इसके और लेवल बढ़ाते जाऊँगा.
चलिए तो अब यहां पर दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वेन डायग्राम बनाते हैं। ओनली अ फ्यू स्टार्स आर कप्स, इसको किस तरीके से बनाना था मैंने आप लोगों को बताया था। इसको पेन को हटा ही देते हैं, पेन की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू स्टार्स आर कप्स। अगर बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू स्टार्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ थोड़े से ही स्टार जो है वो कप होंगे, तो मान लीजिए ये स्टार है, ठीक है, थोड़े से स्टार जो है ये कप होने चाहिए, तो ये थोड़े से ये कप हो गए। ऐसे बना सकते हैं इसको, ओनली अ फ्यू स्टार्स आर कप, सिर्फ थोड़े से ही स्टार जो है वो कप होंगे, पूरे स्टार कप नहीं हो सकते। नो कप इज बैग, कोई भी कप जो है ये बैग नहीं है, ठीक है। नो स्टार आर बैग्स, कोई भी स्टार जो है वो बैग नहीं है, तो कोई भी स्टार बैग नहीं हो सकता। ये आपका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है, ऐसा ही बनेगा वेन डायग्राम। अब देखो आपको बोला क्या है पहले वाले में, एट लीस्ट, इसका कोई मतलब नहीं होता। जहां भी आपको दिखे एट लीस्ट हटा दो इसको, इसका कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ इसको देखो, सम बैग्स आर स्टार्स, क्या थोड़े से बैग आपको स्टार दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना भाई, क्योंकि कोई भी स्टार जो है वो बैग नहीं हो सकता। तो कैसे थोड़े से बैग स्टार हो जाएंगे? नहीं हो सकते, गलत हो गया। एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों, कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर एटलीस्ट ये दो वर्ड सीखते हैं, एटलीस्ट वैसे एक ही वर्ड है, एटलीस्ट अगर आपको दिख रहा है तो उसको हटा दीजिए, उसका कोई और कोई मतलब नहीं होता है। सम बैग्स आर स्टार्स, क्या आपको थोड़े से बैग जो है वो स्टार दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, मतलब गलत हो गया, ठीक है। सेकंड वाले को देखिए, ऑल बैग्स कैन नेवर बी स्टार, ऑल बैग्स, पूरे के पूरे जो बैग हैं वो कभी भी स्टार नहीं हो सकते। पूरे के पूरे बैग कभी भी स्टार नहीं हो सकते, बिल्कुल ट्रू। क्यों भाई, आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये क्रॉस का मार्क, ये बैग्स जो है ये हर जगह घूम सकता है, ये वुहान भी जा सकता है, चाइना भी जा सकता है, लेकिन ये यहां नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो बैग्स है ये क्रॉस का साइन लगा, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो बैग्स है वो इसके अंदर नहीं जा सकता। तो वही चीज ये बोल रहा है, ऑल बैग्स कैन नेवर बी स्टार्स, वो कभी भी स्टार्स नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते भाई, ट्रू, क्योंकि खुद ही यहां पर आपको दिख रहा है कि ये यहां नहीं जा सकते। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। एट मोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या एट मोस्ट मतलब, समझा नहीं मैं। चलिए, काफी सारे लोगों के कंसेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि आंसर बहुत ही फास्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कंसेप्ट सिलॉजिज्म के पूरे क्लियर हैं एकदम, पर जिनके क्लियर नहीं भी हैं, दोस्तों देखिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आप दो चार दिन में ही सिलॉजिज्म को सीख जाओगे, क्योंकि ये रीजनिंग की सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ अगर बोला जाए तो वो सिलॉजिज्म होती है, समझने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इसको सोचने लगते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही क्लास के कहा था कि सिलॉजिज्म बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सोचना ही है, अगर आपको दिमाग लगाना ही है, तो वो पजल पे लगाइए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सिलॉजिज्म में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो लिखा है उसी को देखना है बस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो लिखा है उसी को सोचना है बस, आपको एक्स्ट्रा और कुछ नहीं सोचना है इसमें। तो क्वेश्चन को बनाते हैं, काफ़ी लोग इधर और का आंसर दे रहे हैं। देखिए इधर और कब होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एप्पल इज नो एप्पल इज पेस्ट्री, नो ए आर बी, यही है ना भाई, नो ए आर बी, नो एप्पल इज पेस्ट्री। यहां पर देखिए एटलीस्ट, एटलीस्ट का कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता, इसको हटा दो, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो सम एप्पल आर पेस्ट्रीज, सम ए आर बी, ए और बी हम क्यों बोल रहे हैं? देखो यहां पर एप्पल को अगर हमने ए मान लिया तो यहां पर भी ये जो एप्पल है ये ए हो गया, यहां पर अगर हमने पेस्ट्रीज को बी मान लिया तो यहां पर भी पेस्ट्रीज है मतलब बी, मतलब एप्पल एप्पल, पेस्ट्री पेस्ट्री, दोनों सेम सेम है ना, तो वही चीज है, नो ए इज बी, सम ए आर बी, मतलब इधर और लगेगा, कब लगेगा इधर और?
जब ये दोनों गलत होंगे तो, अगर मान लो ये भी कंडीशन गलत है, ये भी कंडीशन गलत है और आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिखता है, नो ए आर बी सम ए आर बी, और दोनों गलत है, तो क्या हो जाता है? इधर और हो जाता है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये दोनों गलत हो रहे हैं, क्या ये दोनों गलत हो रहे हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। ओनली अ फ्यू पेस्ट्रीज आर बनानास, ओनली अ फ्यू पेस्ट्रीज, ये पेस्ट्रीज है, ठीक है, ये पेस्ट्रीज है, इसके थोड़ी सी पेस्ट्रीज जो है ये बनाना है, ठीक है, ये पूरी पेस्ट्रीज थी, इसमें ये थोड़ी सी जो पेस्ट्रीज ये दिख रही है आपको, ये बनाना है। ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर बनानास, ओनली अ फ्यू एप्पल्स, ये थोड़े से एप्पल्स बनानास है, थोड़ी सी पेस्ट्रीज बनानास है और थोड़े से एप्पल्स बनानास है। अब बोल रहे नो एप्पल इज पेस्ट्री, कोई भी एप्पल पेस्ट्री नहीं है ऐसा बोल रहा है। आपको इनके बीच में ऐसा क्रॉस वाला साइन दिख रहा है क्या? वो जो क्रॉस साइन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से रिलेट करके देखोगे बहुत जल्दी बनता है। नो एप्पल इज पेस्ट्री, इसने बोला नो एप्पल, ये बोल रहा है नहीं है, नो एप्पल इज पेस्ट्री, पर आप देखोगे कि भाई इनमें तो नो वाला कोई ऐसा हमको साइन दिख नहीं रहा है, मतलब हो सकता है, तो ये गलत हो गया। सेम चीज सेकंड में देखिए, सम एप्पल आर पेस्ट्रीज, अब ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम कैसे चेक करते हैं भाई? ये वाली तो नेगेटिव स्टेटमेंट थी, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो एप्पल इज पेस्ट्री, हमने देखा नो एप्पल इज पेस्ट्री, एप्पल पेस्ट्री बोल रहा है कि हो ही नहीं सकते, बट हमको तो क्रॉस का मार्क नहीं दिख रहा, मतलब गलत हो गया, ठीक। लेकिन इसमें तो डायरेक्ट बोल रहा है ना ये कि सम एप्पल आर पेस्ट्री, आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है वही आंसर है, जो दिख रहा है वही आंसर है। आपको क्या दिख रहा है भाई? सम एप्पल आर पेस्ट्री, आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, मतलब गलत हो गया इसका। ये क्या है ना, एकदम सिंपल स्टेटमेंट होती है, इस सिंपल जो कंक्लूजन होते हैं इनको क्या करना होता है? सिर्फ देखना होता है, आपको दिख रहा है तो ट्रू, नहीं दिख रहा तो फॉल्स। सम एप्पल आर पेस्ट्री, अगर ऐसा दिख रहा होता ना हमको कि यहां पर है ऐसा एप्पल, मतलब थोड़े से एप्पल पेस्ट्री हैं, तो ट्रू हो जाता, बट हमको तो नहीं दिख रहा ना भाई, एप्पल यहाँ है पेस्ट्री यहाँ है, थोड़े से एप्पल हमको पेस्ट्री नहीं दिख रहे, मतलब गलत हो गया। तो दोनों ही गलत है, नो ए आर बी सम ए आर बी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, दोनों गलत है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है? ईदर और, तो ये हमारा ईदर और बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको जल्दी से बनाइए, आंसर दीजिए। दोनों सही कभी हो ही नहीं सकता, दोनों सही कभी हो ही नहीं सकता, ऑल ए आर बी ऑल ए आर नॉट बी, ये दोनों को ही सही कैसे हो सकता है? सॉरी ऑल ए आर क्या बता रहा था, सम ए आर, नो ए आर बी सम ए आर बी, ये कभी भी दोनों सही हो ही नहीं सकते, कोई एक सही हो सकता है या फिर इधर और हो सकता है। Only two आंसर दे रहे हैं काफी सारे लोग, चलिए बनाते हैं इसको। Only a few bears are polars, ये bears है, Only a few bears are polars, थोड़े से bears जो हैं, ये वाला portion जो bears का है ये polars है, Only a few bears are polars, थोड़े से bears जो हैं ये वाले ये polars भी हैं। No black is bear, कोई भी black जो है, sorry गलत हो गया, नो ब्लैक इज बियर, कोई भी ब्लैक जो है वो बियर नहीं है। तो देखो ये बियर था ना, यहां पर ऐसा बना देते हैं ब्लैक, नो ब्लैक इज बियर, कोई भी ब्लैक जो है ये बियर नहीं है। अ फ्यू ब्लैक आर पोलर, अ फ्यू ब्लैक आर पोलर, थोड़े से ब्लैक जो है ये पोलर होने चाहिए, तो इस पोलर को हम थोड़ा ऐसे बढ़ा लेते हैं, आप देखो ये मैंने बढ़ाया है, इसका मतलब क्या है भाई? ये पूरा सर्कल ऐसा बनाया है ना मैंने, ये ऐसा है, ये बीच की इसको हटा देना। इसको या फिर एक काम करते हैं,
अलग से बना के दिखा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे काफी सारे लोग। देखो क्या बोल रहा था, ओनली अ फ्यू बियर्स आर पोलर्स, ये बियर्स है, थोड़े से बियर्स पोलर्स है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि नो ब्लैक इज बियर, कोई भी ब्लैक बियर नहीं है, लेकिन फ्यू ब्लैक जो है वो पोलर है, फ्यू ब्लैक जो है वो पोलर है लेकिन कोई भी ब्लैक बियर नहीं है। तो ये देखो इसको ऐसा बना सकते हैं, ऐसा, ये क्या हो गया, अ फ्यू ब्लैक्स आर पोलर, थोड़े से ब्लैक्स जो है ये ब्लैक है, ये ब्लैक है पूरा, इसमें से थोड़े से ब्लैक्स जो हैं ये पोलर हैं, लेकिन कोई भी ब्लैक जो है ये बियर नहीं है, कोई भी ब्लैक जो है ये बियर नहीं है। ठीक है, ऐसा बनेगा वेन डायग्राम। अब देखिए यहां पर आपको क्या बोल रहा है, ऑल पोलर बींग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। जब आपको बोल दिया कि अ फ्यू ब्लैक्स आर पोलर, अ फ्यू ब्लैक्स आर पोलर और ओनली अ फ्यू बियर्स आर पोलर, सॉरी ये वाला नो ब्लैक इज बियर, तो ऑल पोलर बींग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ये कैसे ट्रू हो सकता है भाई, खुद सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पर जो लिखा है उसी को सोचना है, एक्स्ट्रा तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है, जो लिखा है बस उसी को सोचेंगे हम। आपको बोल रहा है ऑल पोलर बींग ब्लैक, ये पूरे जो पोलर है ये इतना पोर्शन, ये सर्कल, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना यहां पर, ये बोल रहा है कि ये पूरे जो पोलर हैं, ऑल पोलर, ऑल पोलर बींग ब्लैक, सोचो थोड़ा सा, क्लियर हो जाएगा ऐसे ही, क्या पूरे पोलर ब्लैक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि पोलर का कुछ हिस्सा इस ब्लैक के अंदर, सॉरी ये बियर के अंदर में गया हुआ है, और ये बियर जो है ये ब्लैक नहीं हो सकता। मतलब सीधे से बोला जाए तो भाई इतना ये जो पोर्शन है ना, यानी ये वाला पोर्शन, ये कभी भी पोलर का ब्लैक में नहीं आएगा। तो ऑल पोलर बींग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी, इसमें काफी लोगों को दिक्कत होती है, तो ये चीज को अच्छे से समझिए कि अगर पोलर का कुछ पोर्शन बियर के अंदर है और बियर और ब्लैक में ये नेगेटिव का यहां पर आपको ऐसा दिख रहा है ना साइन, तो भाई ये वाले थोड़े से तो नहीं हो सकते, और अगर ये थोड़े से नहीं हो सकते तो ये पूरे कैसे होंगे, नहीं हो सकते, गलत हो गया पहला वाला। सेकंड को देखिए, ऑल बियर्स कैन नेवर बी पोलर, ऑल बियर्स कैन नेवर बी पोलर, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल ट्रू, ऑल बियर्स कैन नेवर बी पोलर, क्यों, कोई बता सकता है कमेंट में, जल्दी से लिख के बताइए क्यों, बोथ रॉन्ग वाले गलत हैं भाई, सेकंड ट्रू होगा, सेकंड वाला ट्रू है, ऑल बियर्स कैन नेवर बी पोलर, जब आपको बोला है ओनली अ फ्यू बियर्स आर पोलर, जब आपको बोला है ओनली अ फ्यू बियर्स आर पोलर, ध्यान से समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें काफी लोग गलतियां करते हैं, ओनली अ फ्यू बियर्स आर पोलर, सिर्फ थोड़े से बियर्स ही पोलर हो सकते हैं, तो पूरे बियर पोलर कैसे हो सकते हैं भाई, नहीं हो सकते ना, वही तो ये बोल रहा है, ऑल बियर्स कैन नेवर बी पोलर, नहीं हो सकते, ऑल बियर कैन बी पोलर, कैन नेवर बी पोलर, ये बिल्कुल ट्रू है, ये पूरे के पूरे बियर्स जो हैं ये पोलर नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर बोला है ओनली अ फ्यू बियर्स आर पोलर। अगर मान लो आपको ऐसा बोलता कि ऑल पोलर बींग बियर इज अ पॉसिबिलिटी, या इसको हम ऐसा बोल देते हैं कि ऑल पोलर कैन बी बियर, तो वो ट्रू हो जाता, वो ट्रू हो जाता, ऑल पोलर कैन बी बियर, पूरे पोलर जो हैं वो बियर हो सकते हैं पर पूरे बियर पोलर नहीं हो सकते, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ जाइए, भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझने की कोशिश करिए। जब आपको यहां पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ओनली अ फ्यू बियर्स आर पोलर, सिर्फ थोड़े से ही बियर्स पोलर हो सकते हैं, पूरे के पूरे नहीं हो सकते, तो भाई तो बोला ना यहां पर ऑल पोलर बींग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सॉरी ऑल बियर कैन नेवर बी पोलर, पूरे नहीं हो सकते, वही तो बोल रहा है ना, मतलब सही बोल रहा है। अब लेकिन यहां पर काफी लोगों के मन में डाउट आएगा, सर जब आप बोल रहे हो कि पूरे बियर पोलर नहीं हो सकते तो पूरे पोलर बियर कैसे हो सकते हैं, चलो बना के दिखा देते हैं भाई। अब देखो क्या आपकी ये स्टेटमेंट फॉलो कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ध्यान से देखिए, ओनली अ फ्यू बियर्स आर पोलर,
इतने सारे बियर्स में ये थोड़े से जो बियर्स थे वो पोलर है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई कर रही है, स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही है ना भाई, आपकी स्टेटमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपके एक क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होती है, उस लाइन का कुछ महत्व होता है, कोई उसके बारे में बात नहीं करता है। एक लाइन लिखी होती है सिलॉजिज्म की, कभी भी आप जो ऊपर में इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उसमें लिखा होता है ऑल स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू, आपको पूरे स्टेटमेंट्स को ट्रू मानकर चलना है, तो यहां पर ये हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो आपका वेन डायग्राम कभी भी बनता है तो चेक कर लिया करो ये ट्रू हो रहा है कि नहीं, इसी से आप समझ जाओगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो अगर आपको बोल रहा था ओनली अ फ्यू बियर्स आर पोलर, थोड़े से बियर्स ही पोलर हो सकते हैं, तो पूरे बियर पोलर नहीं हो सकते बट पूरे पोलर बियर हो सकते हैं, मतलब ये वाला जो है ये हो सकता है पहले वाले के अंदर, लेकिन ये वाला पूरा का पूरा उसके अंदर नहीं जाएगा ओनली अ फ्यू के केस में। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ओनली अ फ्यू का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉलो कर रहा है हमारा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी। अरे ब्लैक भी है बोल रहे हैं कुछ लोग, अरे यार मैं एक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं भाई, इसको मत देखो ना, मैं सिर्फ इन दोनों को समझाने के लिए मैंने ये वेन डायग्राम बनाया है, आप इसको क्यों देख रहे हो कि सर ब्लैक भी है थोड़ा सा तो वो नहीं जाएगा, इसको मत देखो अभी, मैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि अगर आपको ऐसा कुछ देता है कि ओनली अ फ्यू बियर्स आर पोलर, तो ऑल पोलर कैन बी बियर पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है वो, पर पूरे बियर जो है वो पोलर में नहीं जा सकते। मैं इन दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका नहीं, इसको मत देखो अभी, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल था इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए, थोड़ा ध्यान से सुना करो चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ओनली वन आंसर आ रहा है, चलिए काफी लोगों का ओनली वन आंसर आ रहा है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ऑल कट्स आर रिमोट्स, ऑल कट्स आर रिमोट्स, पूरे के पूरे जो कट्स हैं वो रिमोट्स हैं, नो रिमोट इज अ बैग, कोई भी रिमोट जो है ये बैग नहीं है, सम बैग्स आर हैम्स, थोड़े से बैग्स जो हैं ये हैम्स हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो नो कट इज अ बैग, कोई भी कट बैग नहीं है। देखिए कभी भी हम जो ये चेक करते हैं ना, मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है जिन्होंने पुराने वीडियोस मेरे देखे होंगे, कि हम काफी लोग ये बोलते हैं ना सर हो तो सकता है, हो सकता है, हो भी सकता है, तो ये सब चीजें हम कब चेक करते हैं, हो सकता है ये कब चेक करते हैं, ये हम तब चेक करते हैं जब आपको एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिखती है, नेगेटिव एक वर्ड आपको नेगेटिव दिख जाता है तब हम चेक करते हैं क्या हो सकता है। जैसे लेट सपोज कि अगर आपको कोई बोलता है कि ये पजल सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप चेक करोगे क्या सच में वो पजल सॉल्व नहीं हो सकता या हो सकता है। बस ये सिंपल सी चीज है सिलॉजिज्म में, इस चीज को समझ जाइए। नो बोल दिया ना इसने, नो बोल दिया, नो कट इज बैग, तो आप चेक करो क्या कट जो है वो बैग हो सकता है, क्या कट बैग हो सकता है, नहीं हो सकता ना, मतलब ये ट्रू। भाई इसने बोला कि कोई भी कट जो है वो बैग नहीं होगा, तो आप चेक करो क्या वो हो सकता है, अगर हो सकता है मतलब वो गलत बोल रहा है, और अगर नहीं हो सकता मतलब वो सही बोल रहा है। तो इस तरीके से जब आप सोचोगे ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। खैर ये तो बहुत पुराने हो गए, इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं इस टाइप के तो क्वेश्चन आपको आ जाते होंगे, नहीं भी आते हैं जिनको, जो नए स्टूडेंट्स हैं तो इस चीज को याद रखिएगा। अब जैसे देखो नो हैम्स आर रिमोट्स, कोई भी हैम्स रिमोट नहीं है बोल रहा है वो, इसने बोल दिया कि कोई भी हैम जो है वो रिमोट नहीं है, आप चेक करो क्या जो हैम है वो रिमोट हो सकता है, क्या ये जो हैम है ये रिमोट हो सकता है। हाँ या ना भाई, इसने बोला कि कोई भी हैम रिमोट नहीं हो सकता, बट मैं बोल रहा हूं कि भाई हैम का ये वाला पोर्शन जो है ना इधर का, ये देखो
हैम का ये वाला जो पोर्शन है इस तरफ का, ये वाला, ये तो रिमोट हो सकता है? ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? कोई भी हैम रिमोट, मतलब पूरा का पूरा हैम जो है ये कभी भी रिमोट नहीं हो सकता। बट मैं क्या देख पा रहा हूं यहां पर कि भाई अगर ये क्रॉस का साइन लगा है तो वो तो इतने पोर्शन के लिए लगा है ना, ये वाले पोर्शन पे तो क्रॉस का साइन नहीं है, तो ये पोर्शन तो रिमोट पे जा सकता है। मतलब ये बंदा गलत बोल रहा है, नो हैम आर रिमोट। भाई सम हैम कैन बी रिमोट, हो सकते हैं थोड़े से, इसलिए ये गलत हो गया। पहला वाला आपका ट्रू है, ओनली वन फॉलो आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बनाइए इसको। रीस्टेटमेंट फॉलो करता है कि नहीं करता है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या लगता है, रीस्टेटमेंट फॉलो करता है या नहीं करता है? रीस्टेटमेंट फॉलो करता है कि नहीं करता है, इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए अभी पहले क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपको, ओनली अ फ्यू हर्बल्स आर लेवेंडर, ओनली अ फ्यू हर्बल्स आर लेवेंडर। ऐसी बनेगा, थोड़े से हर्बल्स लेवेंडर हैं, फिर से वही चीज आने वाली है जो मैंने पहले आप लोगों को समझाया था। ऑल लेवेंडर आर ऑर्गेनिक्स, पूरे के पूरे ये जो लेवेंडर्स आपको दिख रहे हैं ये पूरे ऑर्गेनिक हैं। नो कैंडल इज हर्बल, कोई भी कैंडल जो है ये हर्बल नहीं हो सकता। ऑल कैंडल बीइंग लेवेंडर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कैंडल बीइंग लेवेंडर इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल ट्रू भाई, ये कैंडल सिर्फ यहां नहीं जा सकता ना, यहां पर तो आ सकता था, लेवेंडर के अंदर आ सकता था ना भाई, कॉमन सेंस लगाओ। ये देखो ये जो कैंडल है ये इसके अंदर नहीं जाएगा, बट यहां लेवेंडर के अंदर तो आ सकता है ना यहां पर। तो ऑल कैंडल बीइंग लेवेंडर इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू। ऑल ऑर्गेनिक बीइंग कैंडल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे ऑर्गेनिक कैंडल के अंदर आ सकते हैं? नहीं भाई, ऑर्गेनिक का इधर का ये पूरा पोर्शन, ये इतना पूरा, ये जो ऐसा दिख रहा है ना आपको इस तरफ, ये वाला, ये पूरा आ सकता है, बट ये जो हर्बल के अंदर गया हुआ है थोड़ा सा पोर्शन, ये थोड़ा सा पोर्शन जो हर्बल के अंदर गया है इसका ऑर्गेनिक का, वो कैंडल में नहीं आएगा। तो ऑल ऑर्गेनिक बीइंग कैंडल इज अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे आप ऑर्गेनिक को नहीं ला सकते। ये वाले पोर्शन को, ये देखो ये जो डार्क कर रहा हूं, इसको आप नहीं ला सकते ना, और इसको नहीं ला सकते मतलब पूरे नहीं आ सकते, तो ये गलत हो गया। देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए फिर से। ऑल ऑर्गेनिक बीइंग कैंडल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे ऑर्गेनिक कैंडल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये वाले पोर्शन नहीं आ सकते क्योंकि। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो मैं एक्सप्लेन करता हूं ना उस समय आप लोग कमेंट वगैरह की तरफ ध्यान मत दिया करो, वरना फिर डाउट आते रहेंगे आप लोगों को। जब एक्सप्लेन करता हूं तो उसको ध्यान से सुना करो। मोहित गुप्ता जी स्टार्ट हो चुका है कल से, पहले भी एक हुआ था लेकिन वो वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ, उसमें कुछ एरर आ गया था। उसका एक्चुअल में लेंथ बहुत बड़ा हो गया था, तो उतना बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, 1 घंटे के आसपास पहुंच गया था वो। ओनली वन आंसर दे रहे हैं काफी लोग, चलिए देखते हैं। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, थोड़े से फ्रूट्स जो हैं ये वेजिटेबल्स हैं। नो वेजिटेबल आर पोटैटोज, ठीक है, तो नो वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल्स जो है ये नहीं है, पोटैटोज नहीं है। ऑल फ्रूट्स आर टोमेटोज, ऑल फ्रूट्स आर टोमेटोज, तो ये पूरे के पूरे जो फ्रूट्स होंगे
ये टोमेटोज होंगे। ऐसे ही बनेगा वेन डायग्राम। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, थोड़े से फ्रूट्स, ये जो थोड़ा सा पोर्शन है ये वेजिटेबल्स है। नो वेजिटेबल आर पोटैटोज, कोई भी वेजिटेबल्स जो है वो पोटैटोज नहीं है। ऑल फ्रूट्स आर टोमेटोज, तो पूरे फ्रूट जो हैं ये टोमेटोज हैं। सम टोमेटोज आर वेजिटेबल्स, क्या थोड़े से टोमेटोज वेजिटेबल्स दिख रहे हैं? बिल्कुल भाई, ये देखो ये टोमेटोज जो है ये वेजिटेबल्स के अंदर जा रहे हैं ना, मतलब थोड़े से टोमेटोज जो हैं वो वेजिटेबल्स दिख रहे हैं, तो ये ट्रू हो गया। नो टोमेटो इज अ वेजिटेबल, कोई भी टोमेटो वेजिटेबल नहीं है बोल रहा है। नो टोमेटो इज अ वेजिटेबल बोल रहा है आपको, कोई भी टोमेटो वेजिटेबल नहीं है, बट आपको तो दिख रहा है ना कि भाई थोड़े से टोमेटो जो है वो वेजिटेबल में जा रहे हैं, तो ये गलत हो गया। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। कुछ गलत बता दिया क्या? सही तो है यार, ओनली वन तो होगा। कौन बोल रहा है भाई इधर और? भैया इधर और कब लगता है? जब दोनों गलत हो जाते हैं। पर यहां पर क्या बोला है? सम टमेटोज आर वेजिटेबल्स, सम टमेटोज आर वेजिटेबल्स बोल रहे हैं ना, तो भाई थोड़े से टमेटो वेजिटेबल में तो दिख रहे हैं, तो ये तो ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हो गया, एक अगर ट्रू हो गया तो इधर और कैसे होगा? अगर एक ट्रू है तो इधर और कैसे होगा? इधर और की कंडीशन ही होती है, पहला ट्रू तो दूसरा गलत, दूसरा ट्रू तो पहला गलत, तब होता है इधर और, यानी कि दोनों गलत होने चाहिए। दोनों अगर गलत होंगे तब इधर और लगता है, बट यहां तो पहला सही है ना, तो इधर और कैसे लगेगा? What will be duration of this class? ये क्लास करीब आधे घंटे 40 मिनट 30-40 मिनट तक चलती है मैक्स टू मैक्स, और मिनिमम 15-20 मिनट तक चलती है। बस खत्म ही होने वाली है, लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए इसको बनाते हैं। कितना आंसर आ रहा है आप सभी का? बोथ, सभी का बोथ आ रहा है, कमेंट करके बता दो जल्दी जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। ओनली अ फ्यू केक आर चॉकलेट्स, Only a few cake are chocolate. थोड़े से केक जो हैं ये चॉकलेट हैं, ठीक है। Only a few candies are chocolates. Only a few candies are chocolates. थोड़ी सी candies जो हैं वो chocolates हैं। Candies ही बोला था ना? हाँ। Only a few candies are chocolates. थोड़ी सी candies जो हैं ये chocolates हैं। All chocolates are cookies. ये पूरे chocolate जो हैं ये cookies हैं। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, at least इसका तो कोई मतलब नहीं होता, तो इसको तो सबसे पहले हटा दो यहां से, इसका कोई मतलब नहीं होता। अब इसको पढ़ो, सम कुकीज आर केक्स, क्या आपको थोड़े से कुकी केक दिख रहे? बिल्कुल भैया, देखो कुकीज की लाइन जो है वो केक के अंदर जा रही है, मतलब डेफिनेटली थोड़े से जो कुकीज हैं वो केक हैं, ट्रू हो गया। ऑल कैंडीज कैन नेवर बी चॉकलेट्स, ऑल कैंडीज कैन नेवर बी चॉकलेट्स, कैन नेवर बी बोल रहा है। All candies can never be chocolates. देखिए भाई candies के लिए क्या condition दी गई थी आपको, मैंने शुरुआत में आपको करवाया था ये वाला question, याद करिए। इसी class के शुरुआत में second या third number का question था जिसमें मैंने बताया था ये चीज। जब आपको बोला है, जब आपको बोल दिया है कि only a few candies are chocolates, तो all candies can never be chocolate कैसे, कैसे बताओ, कैसे गलत बोल सकते हो यार? कैसे गलत बोल रहे हो?
भाई देखो समझो इस चीज को, मैं फिर समझाता हूँ अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा। देखो आपको क्या बोला, ओनली अ फ्यू कैंडीज आर चॉकलेट्स, सिर्फ थोड़ी सी ही, ओनली अ फ्यू, इसका मतलब क्या होता है, ओनली अ फ्यू यानी कि केवल कुछ, पूरे तो नहीं है ना, केवल कुछ कैंडीज चॉकलेट्स हैं। तो अगर कुछ कैंडीज चॉकलेट्स हैं तो ऑल कैंडीज चॉकलेट्स कैसे हो सकता है भाई, नहीं हो सकता ना। और ये भी वही बोल रहा है, नहीं हो सकता, ऑल कैंडीज कैन नेवर बी चॉकलेट्स, मतलब ये सही बोल रहा है ना भाई। आप इसको एक पर्सन की तरह लिया करो कि ये आपके सामने एक पर्सन है जो आपको बोल रहा है कि कोई पूरी जो कैंडीज हैं वो चॉकलेट्स नहीं हो सकती। तो आपने चेक किया, आपने चेक किया, यहां पर भी लिखा है कि भाई केवल कुछ कैंडीज ही चॉकलेट्स हो सकती हैं, सारी की सारी नहीं हो सकती। और ये भी बोल रहा है कि सारी की सारी नहीं हो सकती, मतलब सही बोल रहा है ना ये बंदा। इस तरीके से चेक करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो मतलब ये भी आपका ट्रू है, पहला भी आपका ट्रू है, दोनों आपका ट्रू है। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, शायद खत्म हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलिए आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोगों को बनाना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को बनाना है। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, सोचना, दिमाग लगाना, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना, क्योंकि सेशन के बाद भी यहाँ पर कमेंट्स ओपन रहते हैं, तो डिस्कस कर लेना आप लोग। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये है क्वेश्चन। और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन दोस्तों अगर आप लोग लेना चाहते हो, क्योंकि कल की जो क्लास थी वहाँ से मैंने नए पैटर्न के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं जो कि एग्जाम में हमको बनाने होते हैं। किसी भी मेंस एग्जाम में पजल्स नहीं बनाने होते, मेंस एग्जाम में पजल्स को हमेशा पहले स्किप किया जाता है और पहले दूसरे क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो वो जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं उसकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं, अंकुश YT10। और मेंस लेवल का रीजनिंग ऐसा है दोस्तों कि आपको कहीं ना कहीं से सीखना तो पड़ेगा, या तो खुद से आपको सीखना पड़ेगा या किसी से सीखना पड़ेगा। कई मतलब कई अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप लेकर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप चाहो तो क्लासेस में आकर सीख सकते हो, बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे पुराने भी प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस कोड को नोट कर लीजिए, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और एक्सेस भी मिल जाएगा पुराने पूरे जितने भी मेरे कोर्सेस हैं और दूसरे टीचर्स के भी जो कोर्सेस हैं। आप किसी भी टीचर की क्लास अटेंड कर सकते हो, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश हो, जीके हो, पूरा बैंकिंग कंप्लीट आप मोर देन 50 टीचर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। मुझे पता है कि सब इतने सारे टीचर्स की क्लासेस अटेंड नहीं करते, बट दोस्तों ये सोचो कि 50 टीचर्स अगर हर दिन में एक एक क्लास भी लेते हैं तो 50 क्लास के PDF, मतलब आपके पास 50 PDF होते हैं सॉल्व करने के लिए डेली बेसिस पर। आपको ना किसी बुक की ज़रूरत होगी और ना किसी कंटेंट को खोजने के लिए आपको वेबसाइट सर्च करनी पड़ेगी। आप अगर सही तरीके से प्लस का इस्तेमाल करते हैं, हर टीचर की क्लासेस सिर्फ और सिर्फ उनके PDF भी अगर आप डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा। तो प्लस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, इसको अच्छे तरीके से यूज़ करो प्लस को। और अगर आप लेना चाहते हैं, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ईयर का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी फ़ीस है 6000, जिसमें आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बिगिनर हैं, अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग की प्रिपरेशन, तो 2 ईयर आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसकी फीस है 7200, इसमें आपको 720 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आप 2 साल तक आने वाले जितने भी कोर्सेस हैं, जो भी एग्जाम होंगे, हर एग्जाम के लिए प्रीलिम्स और मेंस के बैचेस आते रहते हैं हर टीचर के। मेरे भी हर एग्जाम के लिए प्रीलिम्स के बैचेस आते रहते हैं, मेंस के लिए बैचेस आते रहते हैं, तो सारे बैचेस आप एक्सेस कर पाओगे, सारी क्लासेस आप देख पाओगे। क्लास की टाइमिंग रहती है शाम को 6:30 से 8 और 8:30 से 10। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। ये आपका होमवर्क था, ये आपको ही बनाना है, ठीक है ना। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट। शेड्यूल मेरा 6:30 बजे से 8 और 8:30 से 10।